वेलकम टू फ्यूचर कुल कोचिंग। आप सभी का फ्यूचर कुल कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। सो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किए होंगे। आप लोगों को मैं पिछले कुछ दिन से लगातार अपने बैचेस में बता रही थी कि आप लोग बहुत जल्दी एक बहुत ही अच्छे टीचर के साथ मिलने वाले हैं। हालांकि ये इवेंट कल संडे को होने वाला था, लेकिन संडे को किसी कारणवश नहीं हो पाया था, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से। आज ये इवेंट लाइव हो चुका है। सबसे पहले तो सारे बच्चे लाइव आ जाएंगे, उसके बाद आज इस इवेंट में कौन से सर आपसे मिलने वाले हैं और इस इवेंट का क्या मेन उद्देश्य है, वो सब आप अगले 5 से 7 मिनट में मेरे साथ गौतम सर हैं, डीपी सर हैं, आप जान जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से जानते होंगे हमारे अजीत भारती सर को, लेकिन कुछ ऐसे हो सकते हैं जो पहली बार नाम सुने होंगे सर के बारे में। तो सर क्या है और किस तरीके से आपके सामने सर क्या बैच के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, किस तरीके की बातें करने वाले हैं, वो सब आज इस इवेंट में आप जानेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि गौतम सर शुरुआत करें इस इवेंट की, उसके बाद डीपी सर, वापस मैं कंटिन्यू करूंगी। थैंक यू मैम। देखो भाई बच्चों, एक वर्ड है मेरी तरफ से सभी को, गुड इवनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। सभी को मेरी तरफ से शुभ संध्या, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? और एक वर्ड मैं छोटा सा बोलूंगा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। मतलब कुछ भी असंभव हो ऐसा आप कह नहीं सकते हो। हाँ, हम सोचते हैं कि यस आई कांट डू इट, मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो ये वर्ड बना है ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये वास्तव में एकदम सही बना है। आपको ये भी पता होगा कि पॉसिबल और इम्पॉसिबल में केवल 2 ही लेटर्स का अंतर है। मैं सर, आप ये पॉसिबल इम्पॉसिबल जैसे शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हो, संभव असंभव की बात क्यों कर रहे हो? तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ज्यादातर स्टूडेंटों की जो प्रॉब्लम होती है जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम होती है कि सर हम आज जो पढ़ते हैं ना कल भूल जाते हैं। उस पर एक छोटा सा लोग भी है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, मतलब अब छोड़ो ये सब बातें हम नहीं करने आए हैं यहाँ पर। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, वो क्या होती है, हमारा जो मेमोरी पावर है, हमारी जो सोचने की क्षमता, हमारा रिकॉल करने की क्षमता, उसको दिमाग में बैठाए रखने की क्षमता, मतलब ये जो जीबी दिया गया है ना यहाँ पर, इसका मेमोरी स्टोरेज जो दिया गया है, इसका स्पेस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते, सेगमेंट नहीं बना पाते किस चीज को कहाँ पे रखना है। तो आज ये जो आपका इवेंट है ना, जिसमें हम सभी लोग यहाँ पर आपको साक्षात दिखाई दे रहे हैं, हम इस इवेंट में आज आपको एक ऐसे पर्सनालिटी से, एक ऐसे जानदार शानदार, एक ऐसे लीजेंड पर्सनालिटी से मिलवाने जा रहे हैं, जिसकी पर्सनालिटी से मिलकर और जिनके बारे में सुनकर और जिनको साक्षात रूप से सुनकर आपको भी 1 मिनट के लगेगा कि हम किससे बात कर रहे हैं, हम किसके सामने आज खड़े हो गए हैं। बिलीव करिएगा, और आप सभी लाइव हो, आपको जो कुछ भी पूछना होगा आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो यहां पर सर आएंगे वो आपको अच्छी तरीके से आपके हर एक क्वेश्चनों का आंसर देंगे और आपको ये तक बताएंगे कि स्टूडेंट लाइफ से अगर जल्दी से जल्दी आपको गवर्नमेंट जॉब वाली लाइफ में एंटर करना है, तो उसके लिए जो मेमोरी आपका होता है, जो आपकी याददाश्त होती है, उसको आप कैसे बूस्टअप करोगे, कैसे उसको और बढ़ाओगे। तो मेरे ख्याल से 2 शब्द डीपी सर एक बार बोलेंगे, उसके बाद हम सभी लोग कर यहां पर सर को इंट्रोड्यूस करते हैं और सर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। तो प्लीज सर एक बार बताइए बच्चों को कि हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? अगर आपको भी लगता है कि आप 1 मिनट में 200 शब्द याद कर सकते हैं या नहीं याद कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे आज देखेंगे। अगर आपको लगता है कि आप 1 सेकंड के अंदर किसी भी डेट का दिन निकालना हो कैलेंडर का, तो वो भी आप यहाँ पे आज सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ आपके साथ ऐसी होने वाली है जो आपके लिए बिल्कुल यूनिक होगा, एक नया होगा। मतलब कई सारे, अगर पूरे आपको, अगर जीके जीएस की बात करें, डेट हो या फिर बहुत सारे तारीख होते हैं, कई सारी चीज़ें सर आपको सेकेंडों में याद करने का तरीका बताएंगे। यहाँ पे एक चीज़ और भी होता है कि कैसे विजुअल के तरीके से आप किसी भी चीज़ को याद कर सकते हैं, क्योंकि नंबर की अगर बात करें तो नंबर तो हमारे पास 10 ही डिजिट होते हैं डेसिमल सिस्टम में, 1 से लेके 9 और 1 0। इस डेसिमल सिस्टम के अंदर में अगर उसको विजुलाइज करके सर ऐसा इस तरीके से आपको सिखाते हैं कि अगर उस पर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हर एक चीज़ आपको एक विजुअल तरीके से दिखने लगता है। उस पर सर ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे, बाकी कुछ डिटेल यहाँ पे भी है सर के बारे में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसके बारे में काजल मैम आपको बताएंगी। जी बिल्कुल, मैं सर के बारे में बताना चाहती हूँ कि सर का नाम है अजीत भारती सर, और अजीत भारती सर ने मतलब ना कि हमें, पूरे हमारे देश को प्राउड फील करवाया है। कैसे? तो यहाँ पर सर के बारे में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। सर को यूथ आइकन अवार्ड को भी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, और सर इंडिया एशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर रह चुके हैं, और बहुत ही कम शब्दों में
किस बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा डिजिट को और शब्दों को याद करने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो सर के नाम है। तो सर से अब आप लोग सोच रहे हो कि हम तो स्टूडेंट्स हैं मैम, तो हमें क्या फायदा मिलेगा। आप लोग अक्सर एक बात बार बार बोलते रहते हो कि मैम हम लोग आज याद करते हैं कल भूल जाते हैं, और फिर एग्जाम जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो हमारी याददाश्त एकदम कमजोर हो जाती है। तो किस तरीके से अपनी आप याददाश्त को शार्प बना सकते हैं, अपनी मेमोरी को किस तरीके से आप इनहेंस कर सकते हैं, कम टाइम में जो आपने पढ़ा है वो चीज किस तरीके से याद कर सकते हैं, चाहे वो साइंस में जैसे पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर हो, या आप कैलेंडर पढ़ते हैं, या रीजनिंग में, या आप मैथ्स में भी फॉर्मूले याद करते हो, या आप जीएस जीके में हिस्ट्री में आप कोई डेट याद करते हो। तो ये आप लोगों को ना जो वन डे एग्जाम्स होते हैं ना उसमें ये जो आप अगले एक घंटे सर आपसे जो चीजें डिस्कस करने वाले ना, ये बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए जानना। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, आप देख रहे होंगे सामने कि सर को चलता फिरता कंप्यूटर की उपाधि दी जाती है, कि सर ना सर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज कैलकुलेटिव माइंड है सर का। ये सारा आपको डेमो और बैच में जब आप जाओगे तो आपको सारी चीजें अपने आप ऐसा लगेगा कि बिल्कुल मैम और सर सब सभी लोग सही कह रहे थे। यहाँ पे कुछ सर के लिए बातें यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, एक मिनट में 200 शब्द याद करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। एक मिनट में 60 सेकंड में 200 शब्द आप जान रहे हैं। मुझे आज तक एक इंसिडेंट याद है, सर एक बार हमारे साथ आ रहे थे मुखर्जी नगर, तो रास्ते में जितनी भी गाड़ियां जा रही थी उन सारी गाड़ियों का नंबर सर ने हमारे ऑफिस पहुंचे तब तक सर को सारा नंबर याद हो गया था। उसके बाद मतलब सर एकदम से हमें ऐसे गिना रहे थे उंगलियों पर कि मैम इस तरीके से उस गाड़ी का ये नंबर था, ये उस गाड़ी का ये नंबर था। मतलब आप लोग ना आज पूरे फुल्ली तरीके से, जिस तरीके से पहली बार मैं सर से मिली थी तो मुझे खुद को ऐसा लगा था कि नहीं यार ऐसा हो नहीं सकता है, आपको भी ये लगेगा कि नहीं ऐसा मैम हो ही नहीं सकता है, लेकिन जब आप सर से पढ़ लोगे ना तब आपको पता लगेगा यस, जैसे गौतम सर ने कहा कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आपको भी ये लगेगा यस मैम ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है और हुआ भी है। इसके साथ ही मैं आपको नेक्स्ट यहां पर इमेज दिखाना चाहूंगी। देखिए, अजीत सर का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज। आप जानते हैं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो रहा है तो बहुत ही बड़ी बात है ये। अब क्यों कैसे हुआ वो सर आपको सारी बातें बताएंगे। इसके साथ नेक्स्ट यहां पर लगा हुआ इसमें क्या लिखा हुआ है कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाने वाले अजीत भारती सर का स्वागत। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनका क्या है, रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। वही मैंने कहा ना कि आप जब सर से मिलेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से सर ने अपनी इस याददाश्त को, इतनी मेमोरी को इतना शार्प बनाया है। तो मैं चाहूंगी कि आप बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम सर का वेलकम करते हैं, सर को बुलाते हैं और आप लोगों से इंट्रोड्यूस करते हैं। एक बार सभी लोग बच्चे में कॉमेंट में सर का एक बार वेलकम कर देंगे कि अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से, ताकि सर आपके सामने आए और सर आपको सारी बातें बताएं कि किस तरीके से क्या आप लोगों के लिए ये आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। चलिए फिर सर का एक बार वेलकम कर दीजिएगा। और हाँ, सर का क्लास बिल्कुल मिलेगा, डेमो क्लास, बिल्कुल आज डेमो क्लास है, आज भी और एक डेमो और होगा, उसके बाद आपको ये मेमोरी बूस्टर बैच नंबर 4 के अंदर ही आपको सारा आगे क्लासेस कंटिन्यू की होंगी। सर के बारे में बता दूं मैं, पिछले 1.5 साल से हमारे यहां 3 बैच ऑलरेडी सर बना चुके हैं, हजारों बच्चे सर से पढ़ चुके हैं हमारे यहीं पर। तो सर आपका सभी स्टूडेंट लोग यहाँ पे वेलकम कर रहे हैं। तो आपके सामने सर आ रहे हैं अजीत भारती सर। थैंक यू मैम, थैंक यू काजल मैम, डीपी सर एंड सर, इतना हमारे बारे में बोलने के लिए। आई एम वेरी लकी एंड प्राउड, आज 4th टाइम मैं टाइम्स कोचिंग पे पिछले 2 सालों में क्लास लेने के लिए आ रहा हूँ, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स पूरे फ्यूचर गोल टाइम्स कोचिंग का और काजल, स्पेशली काजल मैम का। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं अजीत भारती हूँ और मैं एक मेमोरी ट्रेनर हूँ, और यू कैन सर्च मी ऑन गूगल एंड यूट्यूब ऑल्सो। मेरा नाम इंडिया रिकॉर्ड, एशिया रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज है, मेरी मेमोरी के लिए, मेरी याददाश्त के लिए। अभी जस्ट आपको सर ने, मैम ने मेरे बारे में दिखाया। मैं हमेशा अपने क्लासेस में कहता हूँ कि आई एम नॉट अ टीचर ऑफ एनी पार्टिकुलर सब्जेक्ट, मैं किसी सब्जेक्ट का कोई टीचर नहीं हूँ, मैं बच्चों को सिखाता हूँ कि कैसे किसी चीज़ को एक बार पढ़ें, एक बार सुने और हमेशा के लिए याद। ये बातें जब मैं बोल रहा हूँ अभी तो बहुत सारे लोग जब ये सुनते हैं तो उन्हें फील होता है कि हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे संभव है कि किसी भी चीज़ को हम एक बार पढ़ें और एक बार सुने और याद हो जाए। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, और मेरे द्वारा पढ़ाया गया हजारों लाखों बच्चों को जो चीज़ें 20 सालों में याद नहीं होती, 10 सालों में याद नहीं होती, लोग रट्टा मारते रहते हैं, भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जामिनेशन में जब ऑप्शन मिलती है, वो सारे चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व सिर्फ एक बार पढ़ने से और सिर्फ एक बार सुनने से भी। तो आज की डेमोस्ट्रेशन क्लासेस 45 मिनट्स या 50 मिनट्स की डेमोस्ट्रेशन क्लासेस लूँगा, इसमें मैं आपको अपनी मेमोरी के बारे में दिखाऊंगा कैसे मेमोरी काम करती है, और भी चीज़ें मैं बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको एक दो डेमोस्ट्रेशन क्लासेस के बाद हमारी बैच
बहुत काफ़ी दिनों के बाद इस बार बैच आ रही है, तो इस बैच में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे याद करो। हर पर डे 1.5 आवर क्लासेस होगी, और जब पर डे आप 1.5 आवर क्लासेस करोगे तो आपको ये फील होगा कि इतनी सारी चीज़ें तो मुझे 10 साल 5 साल में भी याद नहीं हो रही थी, और जो चीज़ भूलना मुश्किल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगा। उससे पहले एक बार फिर से थैंक्स टाइम्स कोचिंग एंड काजल मैम डीपी सर एंड सर। तो स्टार्ट करते हैं याद करना। मैम से थोड़ा डिस्कशन करते हैं। मैम हमेशा हमसे पूछा जाता है सर मैम कि सर आप कोई चीज़ भूलते क्यों नहीं। अब बहुत सारे बच्चे मेरे डेमोस्ट्रेशन क्लासेस के बाद देखने के बाद आप ये बोलोगे कि सर यू आर गॉड गिफ्टेड, बट यू इज नॉट गॉड गिफ्टेड। थोड़ी बहुत हो सकती है, मैं मान सकता हूँ अगर गॉड गिफ्टेड होती तो मैं शायद IAS ऑफिसर्स भी हो सकता था। तो ये चीज़ें इम्प्रूव की जाती है, ये चीज़ें सीखी जाती है। आज की इस 2022 चल रही इस टेक्नोलॉजी में जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, आप उसके बारे में गूगल में पढ़ोगे तो वहाँ के स्टूडेंट्स को क्लास 4th क्लास 3rd से ही इस मेमोरी इंप्रूवमेंट की क्लासेस को सिखाई जाती है, ताकि बाद की पढ़ाई काफ़ी ईजी हो। नहीं तो आप देख लो, आप जनरली आप देखो कि जितनी चीज़ें आपने बचपन से स्कूल टाइम से अभी तक याद किया उसका 10% भी हमें याद नहीं रहते। ये सबसे बड़ी याद करने पढ़ने को सारा चीज पढ़ जाते हैं, लेकिन याद करनी बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है याद रह जानी। जब वो चीजें मैंने जब याद किया और टाइम पे एग्जामिनेशंस में इंटरव्यूज में मुझे याद रही नहीं, तो फिर उसका कोई बेनिफिट होती नहीं, और एग्जामिनेशंस में ऑप्शन मिलने के बाद हम और भी ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो मैम जनरली हमसे कहीं भी इंटरव्यूज होती है, क्लासेस होती है, तो लोग हमसे यही दो सवाल करते हैं कि सर आपकी मेमोरी इतनी अच्छी थी तो आप IAS ऑफिसर्स क्यों नहीं बने, और अगर सर आप ऐसा क्या है जो आप कोई चीज भूलते नहीं। तो मेरा एक ही जवाब होता है कि मैं भूल लूंगा तब ना जब कोई चीज मुझे याद होगी। तो ये बात तो इतनी इजी में हजम होने की चीज है नहीं कि याद नहीं होगी तो आप बतलाते हो कैसे। मैंने कहा बस यही टेक्निक है, जो चीज आप याद करोगे याद नहीं रह सकती, और जिस चीज को आप इंजॉय करोगे, देखोगे, उसके साथ आप झेलोगे, उसका फील करोगे, वो चीजें आजीवन याद रह जाती है। जैसे मैं बच्चों को बोलता हूँ कि 10,000 मान लो जीके का क्वेश्चंस हो, 5,000 जीके का या किसी चीज़ का क्वेश्चंस हो, क्यूब हो, करेंसी याद करना हो, हिस्ट्री डेट्स याद करना हो, आर्टिकल याद करना हो, IPCC सेक्शन याद करना हो, कुछ भी याद करना हो, याद किया भूल गया, लेकिन हजारों दोस्त होते हैं, सैकड़ों दोस्त होते हैं, उनके फेस तो मैं याद रहते हैं, फेस देकर नाम तो मैं बदला देता हूँ, उसके तो मुझे कभी रट्टा मारना नहीं पड़ा। हम जब कभी मूवी देखने को जाते हैं तो मूवी देखने के लिए मैं कॉपी पेन कभी लेकर नहीं गया, कोई भी नहीं जाता, लेकिन मूवी के बारे में अगर मूवी आपको अच्छी लगी तो उसके बारे में आप डिटेल लिख सकते हो। लेकिन बचपन से हम लोग महात्मा गांधी को पढ़े, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़े, आज भी लिखने में पेन रुक जाती है थोड़ा चलने के बाद, लेकिन कोई मूवीज हो, कोई सॉन्ग्स हो, वो हमें याद रहती है सिर्फ सुनने से, देखने से। क्यों? ये अंतर होती है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड और इंटरेस्ट, ये चीज़ें मिलकर ये सारी चीज़ें याद होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चीज़ें याद होती है। ओके, हमेशा बोला जाता है कि आपको क्या याद करने में दिक्कत होती है। बहुत सारे बच्चों का सब जवाब होता है मुझे फिजिक्स याद करनी होती है, मुझे केमिस्ट्री याद करनी होती है, मुझे जीके याद करनी होती है, मुझे वर्ड्स मीनिंग याद करनी होती है, मुझे ये याद करनी होती है। ये सारे बात मेरे मेथड से गलत या कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के दृष्टिकोण से सारे बातें गलत। हमें याद सिर्फ दो ही चीज़ें करनी होती है, सिर्फ दो चीज़ें, वर्ड्स एंड डिजिट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप बोल सकते हो कि सर होती है, सर डायग्राम होती है, सिंबल होती है, पिक्चर होती है, लेकिन वो भी वर्ड्स में ही ट्रांसफर हो जाती है, चाहे आप अल्फा बोलो, बीटा बोलो, या महात्मा गांधी का पिक्चर हो या सरस्वती माँ का पिक्चर, वो वर्ड्स में ही ट्रांसफर हो गई। तो अब सवाल ये उठता है कि आप ये सोच कर पढ़ते हो कि मैं आज फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, आज मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, आज GS पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपका दिमाग को इससे कोई लेना देना नहीं। आपका दिमाग सिर्फ ये जानता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप अपने दिमाग को मेमोराइज करने के लिए दे रहे हो वो वर्ड्स है या डिजिट है, बस आपका दिमाग सिर्फ इस बात को जानता है, जिस तरह कंप्यूटर 0 और 1 की बाइनरी लैंग्वेज समझता है। जैसे हमें याद करनी होती है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई, तो 1914, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दैट इज द वर्ड्स 1914, दैट इज द डिजिट। वुमेन्स डे कब मनाई जाती है, तो डेट ऑफ 8 मंथ इज मार्च या 3, तो वर्ड्स और डिजिट। आपको पूरी केमिस्ट्री की प्रेडिक्टेबल याद करनी हो कि आएगी वर्ड्स और डिजिट आएगी। तो मैं बहुत सारे टॉपिक्स है, अब मैं जैसे मान लो कि मैं आई एम ए ट्रेनर, आई एम नॉट ए टीचर, आई एम ए ट्रेनर, तो मैं आपको ट्रेन करता हूँ जिस तरह कोई आपको बाइक चलाने के लिए सिखाता हो या 4-व्हीलर चलाने के लिए सिखाता हो, तो एक डिस्टेंस तय कराता है, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर आपके साथ होता है, आपको साथ में सिखाता है, लेकिन जब आप सीख जाते हो तो फिर आपको ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा कंट्रीब्यूशन यही है। तो अभी क्या है कि मैं अपनी मेमोरी की परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, देन मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए कैसे लोग भूल जाते हैं बहुत ही जल्द।
अभी मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ, मैं आपको एक टास्क देता हूँ या आपके साथ एक गेम खेलता हूँ, मैं आपको कुछ अभी याद करने को देता हूँ। जैसे ही मैंने बोला कि मैं आपको अभी कुछ याद करने को देता हूँ, तो आप ये मत सोचो मुझे याद करने के लिए क्या दिया जाएगा, सिर्फ दो ही चीज़ दिया जाएगा, वर्ड्स और डिजिट। तो मैं कुछ डिजिट्स बोलता हूँ जो आपको याद करनी है, दो दो अंकों की, ऑनली 10 डिजिट्स। देखते हैं आप याद कर पाते हैं कि नहीं, आप खुद से अपने अपने आप को जज करेंगे कि आप याद कर पाएंगे कि नहीं। मैं दो दो नंबर्स का, दो दो डिजिट का सिर्फ 10 नंबर बोलूंगा, आपको याद करनी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स जो भी लाइव बैच लाइव में है, सुनना आप लोग। 17, 65, 33, 89, 18, 99, 97, 64, 33 and 24। अभी मैंने कौन कौन सा नंबर बोला, आप खुद कमेंट करने की जरूरत नहीं, आप खुद अपने माइंड में रिकॉल करो जो जो नंबर मैंने बोला। अगर आप चाहो तो मैं इस नंबर को रिपीट भी कर देता हूँ, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। 17, 65, 33, 89, 18, 99, 97, 64, 33 and 24। मैंने सिर्फ 10 नंबर बोला है दोनों अंकों का। एक ने लिखा शिव कुमार माले, ओके, भूल गए, याद हुआ नहीं, नहीं हुआ, कुछ याद था, क्या हुआ कि 1, 2, 3, 4, 5 नंबर तक हमें याद होते जा रहे थे, जैसे ही 6ठा 7वां नंबर बोला ना, 8वां नंबर बोला, आप भूल गए कि पीछे क्या बोला गया था। अभी सुना, सिर्फ 10 नंबर आपने सुना और आप अभी का अभी भूल गए, तो इतने सारे नंबर्स को, वर्ड्स को हमें याद करने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो चीज हमें कैसे याद होगी, या तो भूल जाएंगे, नहीं तो कंफ्यूज कर जाएंगे, क्लैप्स कर जाएगी। लेकिन अब हमारी बारी, उसके बाद इसका डिस्कशन करते हैं। मैंने आपको याद करने को क्या दिया, डिजिट दिया, इसके अलावा मैं देता भी क्या, तो सिर्फ वर्ड्स देता। अब मेरी बारी, आप लाइव क्लासेस में जो भी आप स्टूडेंट्स हो, दो दो अंकों का आप नंबर बोलोगे, मैम यस सर, इस नंबर को बोर्ड पे लिखेंगे, मैं बोर्ड की तरफ देखूंगा भी नहीं, और मैं कोशिश करूंगा कि जो नंबर आप अभी दोगे, ऐसे ये नहीं कि मैं सारे आर्टिकल बतला दूं, सारा आईपी सेक्शन बतला दूं, सारे स्टूडेंट्स बतला दूं, वो तो ईजी है, वो तो आप बोलोगे कि सर आपने रट्टा मार लिया होगा, तो आप स्टूडेंट्स नंबर्स आप बोलोगे, एक दूसरे के आप कमेंट्स देखना, जो आप नंबर बोलोगे आपके नाम भी बोला जाएगा, जो आप नंबर जो स्टूडेंट्स बोलेंगे उनका नाम भी होगा, और वही नंबर इस बोर्ड पे मेंशन होगी, और मैं नंबर को याद करने की कोशिश करूंगा, फिर मैं बतलाऊंगा कि कैसे कोई चीज़ कैसे मैंने इसे याद किया और कैसे आप इसे कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट है ना, हाँ, तो वन बाय विथ पोजिशन मैम, ऐसे पोजिशन दे देनी मैम, और उसके नीचे वो नंबर्स मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर्स, नहीं नहीं साथ में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप बोलिएगा सर, और मैं नंबर याद करने की कोशिश करूंगा। माय 70, ओके 70, उनका नाम भी बोल देना सर जो बच्चे ने नंबर्स दिया। ओके, मैं बोलता हूं, हां ओके, 70 ने पहला नंबर, हां नेक्स्ट ओम प्रकाश चौधरी 67। मैं ऐसा करता हूँ ना कि मैं ना माइक आपको दे देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी माइक की जरूरत नहीं, मैं तो आपको ये तो मैं नाम बोलता हूँ, नाम के साथ हाँ, सेकेंड से शुरू करते हैं हम, ठीक है, नहीं सेकेंड से शुरू करते हैं हम लोग, 69, 24, 79, 76, 66, 66, ओके, 49, 57, 89, 52, 52, ओके, 62, 62, ओके, 89, 58, 20, 20, ओके, 74, 53, 55, 74, 32, 33, 33, 33, 29, 44, 49, 44, 49, 32, 51, तिलकर जी, 51, हाँ 51, आकाश 56,
दिलीप कुमार 43, हाँ 43, अनुज 51, कुंदन बिहारी 67, अनुज 64, अनुज 64, ओके 61, लाइन नंबर 61, ओके गौतम 64, गौतम 64, ओके 28, यस नंबर इज 28, ओके 99, यस नंबर इज 99, 84 विकास, यस नंबर इज 84, हां ओके ओके 84, 82 अनुज, 82 अनुज, ओके 57, दैट्स अ 57, ओके 11, दैट्स 111, ओके 96 विकास तिवारी, 96, ओके 96, ओके श्वेता 97, 96 के बाद श्वेता 97, ओके 97, गौतम कुमार 63, गौतम कुमार 63, ओके 13 नीतू कुमारी, 67 ओम प्रकाश, 67 ओम प्रकाश, ओके पुरुषोत्तम चौवन 54, 54, ओके 54, 92 अनुज, 92 अनुज, ओके विवेक कुमार 95, 95, ओके निखिल गुप्ता 91, 91, ओके 23 88, मंडल 19, पंकज 12, सुष्मिता 51, स्वदेश 66, शशि 18, बब्बन कुमार 10, 10, धीरज 17, दिलीप 47, सचिन 11, 48 सीमा कुमारी, 58, 98, 98, 98 भर गया, एक लाइन और लिखते हैं, एक लाइन और लिखते हैं, 98 के बाद मैं और बोलता हूँ 85, 85, ओके 85, 85, ओके 83 अनुज, 83 अनुज, ओके 27 पुरुषोत्तम, 1 सेकंड सर पोजीशन भी लिखनी होती है ना मुझे, बस मेरे हिसाब से बहुत है इतना तो बड़ा सा हो गया, पूरा बोर्ड भर गया है, अब बच्चे बोलने के पहले इतना सर हम लोग को बताइए, एक एक बार मैं मुझे आपकी कॉल कर देना, कल मैं थोड़ा मिला लेता हूं, हां स्टार्टिंग से बोलने में पोजीशन हम बने, हां ओके 70, ओके हां 69, ओके मैं रिपीट करती हूँ, ठीक है 70, ओके बच्चों आप लोग मिलाते जाना 69, ओके 69, ओके 69, 24, 24, 79, 79, 76, 76, 66, 66, 49, 66 का 49, ओके 57, इसके पहले 49 बोलो, हाँ 49, हाँ 49, उसके बाद 57, 57, ओके 57, 89, ओके 52, ओके 62, ओके 89, ओके 58, 58, ओके 20, okay. 74, 74, 53, okay. 45, okay. 74, 74, 32, okay. 33, okay. 29, okay. 44, okay. 49, okay. 32, okay. 51, okay. 56, okay. 43, okay. 51, okay. 67, 60, 67, okay. Yes, 64, 61, 64, 28, 99, 84, 82, 57, 11, 96, 97, 63, 13, okay. 67, okay. 54, okay. 92, okay. 95, okay. 91, okay. 23, okay. 88, 19, okay. 19, yes, okay. 19, 12, 12. Okay. 51, that's number is 51, okay, 66, okay. 18, 18, 10, 10, 17, 17, 47, okay. 11, 11, 48, okay. 58, okay. 98, okay. And 88, 85, 85, yes, 85, 85. 83, 83. Yes. Then एक और दिखाया गया था ना लास्ट में 27. अच्छा मैंने लिखा नहीं था फिर. अच्छा आपने लिखा नहीं. हाँ लिख देती हूँ फिर भी. कोई दिक्कत नहीं. 27. Okay.
बच्चों ये आपने नंबर बोले थे, मैंने क्या किया विद पोजीशन पीछे आपके द्वारा बोले गए नंबर मैंने बोर्ड पे लिख दिए। क्या बता पाएंगे मुझे? ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर क्या बता पाएंगे, मुझे नहीं लगता, अभी आप देखना चमत्कार, ठीक है कैसे होने वाला है। टोटल नंबर लिखे हैं मैंने 64। अब आप देखिएगा बच्चा कि सर को किस तरीके से, सर ने बोर्ड पे भी आंखें क्लोज भी, हाँ सर ने एकदम आंखें बंद कर रखी है, कुछ भी नहीं है। अब आप देखिएगा जरा आप हमारे साथ की किस तरीके की सर की मेमोरी देखो किस तरीके से शार्प है। अगर बच्चों को लग रहा हो कहीं पे कुछ ये वो है तो डीपी सर आप ना मेरी आईज क्लोज कर लीजिए, पीछे से आकर क्लोज कर ले, क्लोज कर ले। अरे सर कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल बिल्कुल जोरों से क्लोज कर लीजिए, मैं माइक में बोलता हूँ। ओके, जितना जोर से आप क्लोज करो, मे भी हो सकता है ना एक आध दो मिस्टेक, एक दो मिस्टेक हो सकता है मैम, तो मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम मिस्टेक हो। हमें पता नहीं होने वाले मैम, आप जब नंबर चेक करना चाहते हैं हम साइड थोड़ा सा होने देते हैं। ओके, आप थोड़ा सर बच्चे मिलाएंगे इस तरफ, इस तरफ। ओके ओके ओके, यहां पे विजिबल है। ओके मैम, कहीं पे मिस्टेक होगी बताना। पहला नंबर 70 है मैम, 69, 24, 79, 76, 66, 49, 57, 89, 52, 62, 89, 58, 20, 74, 53, 45, 74, 32, 33, 29, 44, that's a 49, 32, 51, 56, 43, 51, after 51, that's number is 67, 64, 61, 64, 28, 99, 84, 82, 57, 11, 96 and 97 63 13 that's now 67 54 after 54 92 95 91 23 88 19 12 that's a 51 66 18 10 that's a 17 47 that's number is 11 48 58 98 yahan pe 85 83 that's last number is 27 bilkul mistake। कोई मिस्टेक थी मैम? नो सर। ये तो बहुत ही कम नंबर लिखा गया, तो आप चाहते कई बोर्ड का यूज कर सकते थे, 8 से 10। आई के खाना की याद कर लिया है सर पहले से। नो नो, आपने तो लाइव ही नंबर्स दिया ना। नहीं नहीं, बच्चों के नंबर छूट गए थे उसमें। आप लोगों ने खुद ने नंबर दिया है, मैंने बोर्ड पे लिखा है विद पोजीशन एंड डीपी सर ने यहाँ पे अनाउंस किया है नंबर। और तो एक काम करते हैं सर को, एक और चैलेंज देते हैं अभी लाइव की, सर इस नंबर को उल्टा सुनाए अगर याद है सर को तो। हाँ, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, मैं सुनाता हूँ। देखिए काजल मैम, मैं कितनी स्पीड में सुनाता हूँ इस बार नंबर, ठीक है ना। लेकिन सर मैं एक बार बच्चों को एक बात बोल दूं, माइक देना। अच्छा आप लोग मिलाते जाइए, मैं बोर्ड पर टिक करती जाऊंगी, ठीक है सर। अपोजिट बोलते जाएंगे आप, अपोजिट, अभी सीधा बोला था अपोजिट, अब आप डबल चमत्कार देखो। ओके सर, आप आईज क्लोज कर लीजिए सर। ओके ओके, चलिए जितना जोर से आप आईज क्लोज कर दो। ओके, अपना नंबर देखना रिवर्स ऑर्डर में, 27, 83, 85, 98, 58, 48, that's 11, that's 47, that's 47 का आपका नंबर 17, 10, 18, 18 का 66, that's number 51, 12, 19, 88, 23, 91 का 95, 92, 54, 67, 13, 63, 97, 96, 11, 57, 57 का आपका नंबर है 82, 84, 99, 28, 64, 61, 64, that's 67, 51, 43, 50, 56, 51, 32, 49, 44, 29, 33, 32, 74, 45, 53, 74, 20, 58, that's number is 89, 62, 52, that's 89, 57, 49, 66, 76, 79, 24, 69 or 70. Done. Ma'am, ये तो स्टूडियो है, आप मेरा जब देखेंगे चैनल्स वगैरह जहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस में हजारों बच्चे बैठे हुए होते हैं, यहाँ पर तो बिल्कुल शांत माहौल है, वहाँ पर कई बच्चे एक साथ नंबर बोलते हैं। ये तो बहुत ही कम नंबर लिखाया गया, मैं बतलाता हूँ कितना नंबर लिखाया गया, 65 डिजिट लिखाया गया, पोजीशन लिखाया गया। वहाँ पे आप 200, 300, 500, 1000, 2000 जितना नंबर आप बोलते बोलते थक जाओगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सारे नंबर्स किसी भी तरह मैं यहाँ तक बतला सकता हूँ मैम कि किस नंबर पे कौन सा डिजिट लिखा हुआ है, कौन सा डिजिट कितने नंबर पे लिखा हुआ है। चलो 2000। हाँ आप पूछो, आप पूछ ले मैम। सर आप मुझे बताइए 36 पे क्या लिखा हुआ है? 36 नंबर पे क्या लिखा हुआ, दैट्स 34 पे लिखा हुआ 82। यस करेक्ट। नेक्स्ट मैम। नेक्स्ट है सर, आप बताइए 12 पे क्या लिखा हुआ है? 12 पे। ओके, 12 नंबर पे आपका लिखा हुआ है मैम 89। यस करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज 7 पे क्या लिखा है? ओनली 7 नंबर पे लिखा हुआ है आपका 49। यस बिल्कुल सही। ओके आप डीपी सर एक दो आप भी पूछ सकते हैं, आप ये भी पूछ सकते हैं वो नंबर किस पोजीशन पे लिखा हुआ है, अगर दो बार लिखा हुआ मैं पूछता हूँ। ओके
मुझे नंबर ढूंढने दीजिए, आपका मुश्किल वाला नंबर। ओके, कोई भी एनीवन। एक नंबर बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा था कोई। हाँ, आप बोल ले। 53 किस किस नंबर पे? ये किस किस पोजीशन पे? चलिए मत, एक तो आपका सर 16 नंबर पे 53 है। बिल्कुल सही, 16 नंबर पे है ना 53। यस, उसके बाद भी 53 आप पूछ रहे हैं? मुझे अभी तो देख नहीं, 53 एक ही बार लिखा गया, आई थिंक 53 एक ही बार है। एक ही बार, हाँ एक ही बार। 53 कोई आउटपुट नंबर आप बोल लो सर। 67। हाँ 67 कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ ये मैं आपको बता दूँ। एक देखना सर, 67। ओके, एक 67 तो जहाँ तक मुझे दिख रही है वो आपकी नंबर है 29 नंबर पे आपका 67 लिखा हुआ है सर। हाँ, एक जगह 67 आपका लिखा हुआ है, मैं आपको ये बतलाता हूँ। देख के भी नहीं ढूंढ पा रहा। नहीं मैं ढूंढने का कोशिश करता हूँ कि हाँ हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, मैं उसे सर्च करता हूँ 67 नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है। एक सेकंड, मैं लास्ट से चलता हूँ, पीछे से नहीं है ये, मुझे टाइम लग रहा है सर्च करने में, इतना टाइम लगता नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दूँगा। 17 10 66 लिखा हुआ, 51 लिखा हुआ, लिखा हुआ 88 लिखा हुआ, 21 लिखा हुआ, 19 लिखा हुआ। 67 आपने बोला ना सर? 67 एक जगह आ रहा है 67। एक सेकंड रुक जाए मैम, थोड़ा मुझे टाइम दीजिए। पहले नंबर पे नहीं लिखा हुआ है, दूसरा नंबर पे नहीं लिखा हुआ, तीसरे पे नहीं है, चौथे पे नहीं है, पांचवें पे नहीं है, छठे पे नहीं है, सातवें पे नहीं है, आठवें पे नहीं है, नौवें पे, दस पे नहीं है, ग्यारह पे नहीं, बारह पे नहीं है, तेरह पे नहीं है, चौदह पे भी नहीं है, पंद्रह पे भी नहीं है, सोलह पे भी नहीं है, सत्रह पे भी नहीं, अठारह उन्नीस बीस पे भी नहीं है, इक्कीस पे भी नहीं, बाईस पे भी नहीं, तेईस पे भी नहीं है, चौबीस पे भी नहीं है, पच्चीस पे भी नहीं है, छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस पे तो है, तीस पे नहीं है, इकतीस बत्तीस तैतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस 67 मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? पक्का है 67? एक सेकंड मैम, मुझे 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 एक मिनट का और टाइम देना मैम आप। 41 पे नहीं है, हाँ 42 नंबर पे आओगे मैम, सॉरी 41 42 43 मतलब उसके आगे जो 54 और 13 के बीच में है। यस, 54 एंड 13 के बीच में, हां 13 एंड 54 के। ओके, इतना ही नहीं सर, जैसे मैं और मैं बताना चाहता हूँ सर, पिछले 1000 साल के कैलेंडर का डेट आपको ऐसे ही बता देंगे। अनंत वर्ष का सर, 1000 नहीं सर, अनंत वर्ष का मतलब आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन इतना स्पीड में नहीं पूछना है आपको। एक एक लोग अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा सर उसका आपको, और कितना टाइम आपको क्या लगता है, कितने टाइम में आप कर सकते हैं, मतलब एक बार अगर कोई डेट देते हैं आप तो उसको आप कितना टाइम में आंसर बता सकते हैं सर, आपको क्या लगता है? सभी लोग बताएंगे ऐसे कैसे हो सकता है। नहीं, 2010 नहीं, ऐसे पूरा डेट के साथ होता ना, कि जैसे आपका जन्म हुआ है कि 12 अक्टूबर 1987, 12 अक्टूबर 2003, जो भी ऐसे कुछ भी हो, तो एक इतना स्पीड से करेंगे तो सबका नहीं निकल पाएगा। मैं एक एक लोगों से वो करूंगा। मैं इसके पहले का एक स्टोरी बतला देना चाहता हूँ काजल मैम। जैसे ये नंबर जो लिखा गया तो बहुत सारे बच्चों के सवाल होगा कि सर दो ही नंबर आपने क्यों पूछा, एक नंबर क्यों नहीं, तीन नंबर क्यों नहीं, चार नंबर क्यों नहीं। सेम थिंग, मैं इस नंबर्स को थाउजेंड में लाख में बोल सकता हूँ, इस नंबर को मैं ऐसे बोल सकता हूँ 7069 2400 79 7600 66 5000 4900 57 8900 52 6900 22 6800 289 5800 820। हम किसी तरह भी नंबर को बोल सकता हूँ। अगर मैं 4 डिजिट का नंबर बोल रहा हूँ मैम, इस तरह से 4 डिजिट का नंबर बोल रहा हूँ, तो हिस्ट्री डेट्स तो ऐसा ही आती है, क्यूब भी ऐसा ही निकलती है। मैं देखना मैम कितने स्पीड में बोल दूंगा, 7,769 7,469 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
बीडीपी सर ने कैलेंडर की बात बोला था तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ इसलिए कि मैं कम समय में ही ज़्यादा आपको चीज़ों बतलाना चाहता हूँ। एक डेमोस्ट्रेशन क्लासेज आओ होगी दो तीन दिन, मैं अभी कन्फर्म करेंगे, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा भी बहुत सारी चीज़ें, देन यू टेक एडमिशन एंड स्टार्ट द क्लासेस, है ना, उसके बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे। सर डीपी सर ने अभी बोला था कि कैलेंडर्स का डे, एक्चुअली ना आई एम नॉट अ टीचर ऑफ रीजनिंग मैथ जीके, जिसमें किसी सब्जेक्ट का कोई टीचर नहीं, आई कांट टीच यू एनी सब्जेक्ट, मैं आपको कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता। इन अदर वर्ड्स आई कैन से आई कैन टीच यू ऑल द सब्जेक्ट, बिकॉज सारे सब्जेक्ट वर्ड्स और नंबर से ही बने होते हैं मैथ छोड़कर,
और साइंस में प्रैक्टिकल, बाकी सारे तो बर्ड्स और डिजिट से ही बने हुए थे। तो एक स्कलेंडर की कहानी क्या है कि मैं 2015 में एक कॉम्पिटिशन में मैंने भाग लिया था, 2015 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए मैंने अप्लाई किया था। तो उसमें मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पे एक न्यूज़ हमेशा वायरल हो रही थी उस टाइम में जब गाँव में था, बिहार पटना मेरा घर है, तो वहाँ पर दिखा हुआ था कि एक व्यक्ति ने 1000 साल के कैलेंडर का डे 6 से 7 सेकंड में बतला देता है। बहुत ही, आप YouTube पर भी देखते रहते होंगे, बहुत वो चर्चा में था। तो मैं उस समय चलाया रिकॉर्ड ऑफिस के पास और मैंने बोला आई विल ब्रेक दिस रिकॉर्ड, मैं ये रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। बोले कितने साल के बताओगे, तो मैंने बोला मैं अनंत साल का बताऊंगा। उस टाइम ने अनंत साल का बोला था, अब मैं बतला देता हूँ अनंत साल। मैंने बोला हज़ारों बर्ड्स के कैलेंडर्स का डे बतला दूंगा। बोला कितने टाइम लोगे, जबकि मैं रीजनिंग का कोई टीचर नहीं हूँ। तो बोला 6 सेकंड का रिकॉर्ड है। मैंने बोला कि मैं 1 सेकंड से कम समय में किसी भी कैलेंडर का दिन आप छोड़ो, कैलेंडर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो जो आती है रीजनिंग में कैलेंडर से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन हो, मैं 1 सेकंड में बतला दूंगा कि उसका क्या आंसर होगा, विदाउट यूज कॉपी और पेन। उतना टाइम कहाँ कॉपी पेन का, मैं अपने फिंगर बतला दूंगा। सर आप कोई पूछ लें, लुक एट माय फिंगर मैम, देखिए मैं सुप्रिया कुमारी आपने बोला 5 फरवरी 2004 बोला, पांच फरवरी बोला आप, फिर से एक सेकंड मैं सुना नहीं, मैं इसे इसलिए बोल रहा हूँ आपने जिन्होंने भी पूछा ना वो ना लीप ईयर पूछे और 2000 पूछे। तो मैं इसको रिदम में बोलता हूँ, मैं दोबारा आप क्वेश्चन पूछिए क्योंकि लेट हो गया 4 सेकंड, मैं उसे 1 सेकंड। ओम प्रकाश 17 अक्टूबर 2002 थर्सडे। अब ये लोग आप लोग चेक करिएगा, मुझे नहीं पता चलेगा इसमें। 17 अक्टूबर 2002 थर्सडे, 17 अक्टूबर 2002 थर्सडे, 7/2/1999 फ्राइडे, दैट डे वाज फ्राइडे 7 फरवरी 1999। सुप्रिया ने जो पूछा था वो लीप ईयर था। गौतम कुमार 12/10/2002 आपने फिर से बोले 12/10/2002 सैटरडे 8/9/1996 ब्रजे 8 संडे अनुज कुमार 12/8/1990 आप मिलाते भी जाना। हाँ सर, एक सेकंड सर, थोड़ा सर हमको लग रहा है इंटरनेट में थोड़ी सी इशू है, क्या आप लोग आवाज क्लियर सुन पा रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, अब ओके है। तो 8/1/1996 ट्यूजडे 8/1/1996 अब ये तो सर इतना तेजी से कमेंट आ रहा है ऊपर चले जा रहे हैं। 15/12/1999 दीपक वेडनेसडे 15/12/1999 15/12/1999 वेडनेसडे देख लेना आप 15 दिसंबर 1900 वेडनेसडे। नेक्स्ट 8/2/2003 आपने जैसे देखे मैंने बोला 8 उसका मंथ बोलिए 2 मैंने फरवरी हाँ। मेरा फिंगर ये हो गया हाँ 2003 दैट्स ये फिंगर हो गया, ये फिंगर हो गया, सैटरडे हो गया, दैट्स सो इजी आप मिला लेना, एक भी मिस्टेक नहीं होगी साथ, बहुत सुनने में आई होगी तो एक आध मिस्टेक चली जाएगी, ये बहुत ईजी है, मैं कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बतला रहा हूँ। अब इसी में क्वेश्चन आते हैं, अगर इस तारीख को इतने दिन तो उस तारीख कौन सा दिन पड़ेगा, इस साल कैलेंडर आने वाले किस वर्ष से मैच करेगा, इसका जन्म ये हुआ, तो उसका एक दो नंबर का जिंदगी में जनरली क्वेश्चन आता है जिसमें पेन यूज करने की आपको भी आवश्यकता नहीं, और ये मैं सिर्फ 8 से 10 मिनट में सिखा दूंगा सारे बच्चे को, आप कैलकुलेटर से पहले बताओगे, और ये मैं जो बात मैं बोल रहा हूँ कि आप कैलकुलेटर से पहले बतलाओगे और 10 मिनट में बतलाओगे, तो बहुत लोग ये सोच रहे होंगे सर तो आप बताओ, तो ये जो टेक्निक मैं आपको कैलेंडर्स का एक दो टेक्निक जो आप बतलाऊंगा विदाउट पेड क्लासेस ही मैं आपको बतला दूंगा, अगले डेमोस्ट्रेशन क्लासेस में आपको सिखा दूंगा वो पेड क्लास। हाँ ओके, क्यूब वाला डेमो भी हो जाए, बोर्ड आप ले आओ, क्यूब वाला डेमो आप मुझे दे दीजिए, बिटवीन 1 to 100 ना, आप देखो क्यूब किसी नंबर्स का क्यूब निकालना हो तो किसी नंबर्स का क्यूब, मैं तो आई एम नॉट अ टीचर ऑफ मैथ, मैं तो मैथ के टीचर बिल्कुल मैथ का मुझे बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं, एक छोटा सा है कि कभी कभी क्यूब पूछना पड़ता है, डीपी सर तो बहुत एडवांस टेक्निक से बतलाते हैं और मैं तो मेमोरी की हेल्प से बतलाता हूँ कैसे वो नंबर्स क्यूब किसी का निकालना हो, तो आप ना कोई एक नंबर बोलना आप लोग में से कोई और मैं उसका ना क्यूब निकालने की कोशिश करता हूँ। 77 देखिए 4 5 6 5 3 3 दैट इज द क्यूब ऑफ 77 आपने देख लेना 4 5 6 5 3 3 दैट इज द ये किन्होंने पूछा, सुनीता पाल ने बोला 97 9 1 2 6 7 3 दैट इज द क्यूब ऑफ 97 और ये सुनीता पाल ने पूछा।
अब देख बिटवीन 1 टू जितना मैं आपको 60 69 3 2 8 5 0 9 3 2 8 5 0 9 दैट इज द क्यूब ऑफ 69। अगर मैं आपसे अगला वर्ड जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ उस मैं कम समय में थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ी कम है। अगला सवाल अगला चीज़ जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये सब जो मैं कर रहा हूँ ना ये मैं अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का होता है तो बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, ऑफलाइन क्लासेस होती है ऑनलाइन क्लास, मेरा मकसद है आपको सिखाना। और मैं पहली बार टाइम्स कोचिंग में टाइम्स कोचिंग में मैं इतनी बार पढ़ाया हूँ क्लासेस लिया हूँ कि टाइम कोचिंग का मैं एक फैमिली में मैं काजल मैम के सामने एक वर्ड बोलता हूँ, मैम एक मिनट, कि जैसे एक एग्जाम्पल होता है कि मैं बहुत सारे टॉपिक्स बतलाता हूँ, बिल्कुल, अवार्ड्स, करेंसी, हिस्ट्री डेट्स, क्यूब, कैलेंडर, मैं अभी सारा डिटेल बतलाऊंगा। एक मैम्स का रिलेटेड टॉपिक है केमिस्ट्री में प्रेडिक्टेबल, आई एम नॉट अ टीचर ऑफ केमिस्ट्री, मैम मैं आपके सामने बच्चों को वर्ड देता हूँ, इसके पहले भी जो मैंने 3 क्लासेस लिए थे उसमें भी मैंने वर्ड दिया था, मैं केमिस्ट्री का प्रेडिक्टेबल सिर्फ एक दिन बतलाऊंगा, 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे किसी भी दिन। और अगले डे मैम आएंगी, अगर एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो पूरी केमिस्ट्री की प्रेडिक्टेबल सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में आप बताओगे, जिस तरह मुझे करते हुए देखते हुए आप सरप्राइज हो रहे हो, एक तो केमिस्ट्री के प्रेडिक्टेबल याद करना मुश्किल हो और दूसरी चीज कि 2 घंटे में याद हो, ये बात अगर आप बाहर में जाकर किसी से बोलोगे ना तो आपको बोलेगा या तो तुम पागल हो या तुमको जो बोला वो तुमको पागल बना रहा है, लेकिन एक्चुअली बात क्या है ना कि जो मेरा स्टूडेंट होता है ना वो दुनिया को पागल बनाता है। मैं केमिस्ट्री का मुझे कोई नॉलेज नहीं, रीजनिंग का मुझे कोई नहीं, हिस्ट्री डेट्स का मुझे जीके का नॉट टीचर जीके, पूरी केमिस्ट्री आपके सामने वर्ड दे रहा हूँ, आप लेक्स ले आना मैम जिस दिन मैं केमिस्ट्री कर लूँगा, पूरी केमिस्ट्री का प्रेडिक्टेबल भी थे एटॉमिक नंबर सिर्फ 2 घंटे में, और हर 3 क्लास इसके पहले जब मैंने लिया था हर बार मैम आए थे और बच्चे ने सारा बतलाया था सिर्फ 2 घंटे में, चाहे आप क्लास 5 में हो चाहे आप जनरल कंपटीशन में, चाहे आप किसी भी एज में हो, मिनिमम आपकी एज 7 ईयर्स होनी चाहिए, 7 to 8 ईयर्स मैक्सिमम, आप जितने एज को भी हो आप इसे कर सकते हो। आप लोग जब सर का बैच ले लोगे उसमें जब पीरियड टेबल पढ़ोगे ना तो उसके बाद मैं आऊँगी आपसे क्रॉस चेक करने, क्योंकि मैं बाकी के 3 बैचेस में भी गई थी और आप यकीन नहीं करोगे सब बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया, बच्चों को एकदम उंगली पे याद हो गई थी पीरियोडिक टेबल, और पीरियड टेबल सिर्फ नहीं उनको अटोमिक नंबर भी याद हो गया था, जैसे आपसे पूछे 22 पे कौन है तो कौन सा एलिमेंट है उसका बता देना, उसका एलिमेंट का सिम्बल बता देना, तो ये बहुत अमेजिंग चीज़ है। मैंने यही कहा ना कि इस बैच में सर आपको क्या समझाने वाले हैं कि वन डे एग्ज़ाम में जो चीज़ें आती हैं जैसे कैलेंडर वाला चैप्टर हो गया, क्यूब कैसे याद करें, और साथ में जैसे केमिस्ट्री वाला हो गया, जैसे मैथ्स के कुछ टॉपिक हो गए जो बहुत कम समय में किस तरीके से लर्न कर सकते हैं आप, ऐसे जीके जीएस में आप हिस्ट्री में डेट याद करते हैं, ठीक, ऐसे ही आप साइंस के बहुत सारे चैप्टर फॉर्मूले याद करते हैं, वो सब सर आपको यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाले हैं। ये जो बैच है ना बच्चा बहुत ही ज़रूरी बैच है सर, सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म पर नहीं सर, बहुत इंडिया में ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर सर को बच्चे जानते नहीं हैं और सर से पढ़े नहीं हैं। ये बैच आपको ज्वाइन करने के बाद आपको पता लगेगा कि आपकी मेमोरी किस तरीके से तेज हो चुकी है। तो मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से इस बैच को ज्वाइन कीजिए और बहुत बढ़िया तरीके से सर से पढ़िए। इस बार तो सर से हमने एक चीज रिक्वेस्ट भी की थी, इससे पहले जितने भी सर के बैचेस हुए थे उन सबकी हमने अमाउंट 800 रुपीज रखा था, लेकिन इस बार सर ने कहा कि नहीं मैम आप लोगों के कहने पर मैं इस बार बैच का अमाउंट भी कम करने वाला हूं, तो इस बार फी भी बहुत कम आप लोगों के लिए बहुत रीजनेबल प्राइस पर रखा गया है। और यहाँ पर आप जब इस बैच को करके निकलेंगे ना, ज़्यादा लंबा बैच नहीं है, बस 15-17 घंटे का बैच है, उसमें बहुत बढ़िया तरीके से आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे यहाँ से। तो आप ऐसे ही आप 400-500 रुपए का पिज़्ज़ा बर्गर खा लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपनी मेमोरी किस तरीके से याददाश्त अपनी अच्छी करें उसको आप अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच में, अपने बढ़िया तरीके से अपनी मेमोरी को इन्हेंस कर सकते हैं। अभी सर बताने वाले हैं आपको कि किस तरीके से क्या यहाँ पर चैप्टर किस तरीके से आपको सर इस बैच के अंदर कवर करवाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला था कि जब आपको गाड़ी चलानी आ जाती है, जब भी आपके गाड़ी आपने सीखा होगा, बाइक हो या साइकिल हो, आपके पेरेंट्स सिखाए होंगे, आपके भाई सिखाए होंगे, आपके फ्रेंड सिखाए होंगे, तो जब भी आप साइकिल सिखाओ तो कुछ दूरी तक वो साथ में आपके चलते हैं कि आप यहाँ पर गिरोगे वो फिर से उठाएंगे फिर ये करेंगे। तो आई एम ए टीचर ऑफ वर्ड्स एंड नंबर, और सौभाग्यवश हम कुछ भी याद करते हैं तो वर्ड्स और नंबर ही होते हैं। तो मुझे पता कैसे लगेगा कि आप सीख गए, मुझे कैसे पता लगेगा या आपको कैसे पता लगेगा, आपको पेरेंट्स को कैसे पता लगेगा कि मेरे बच्चे ने क्लास किया या मेरे भाई ने या मेरी बहन ने क्लास की, तो उसका बेनिफिट क्या और वो सीख पाए कि नहीं सीख पाई वो कैसे पता लगेगा, क्योंकि आपके घर वाले तो आपसे पूछेंगे। तो इस चीज़ को मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया, कहाँ इम्प्लीमेंट करूँ, वर्ड्स और नंबर पे, तो ये फालतू का नंबर से याद करने से तो आपको तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो मैंने कहाँ कहाँ इसको इम्प्लीमेंट करना, जो चीज़ आपके एग्जामिनेशंस में आती है, तो देखना आप
कैलेंडर्स का दिन, मैंने जो बतलाया मुझे कुछ भी पता नहीं, जैसे लोग, जैसे मैं भी जब पढ़ता था तो बतलाया जाता था ऐसे है डिवाइडेड 765 लीप ईयर ये वो, मुझे वो सब कुछ नहीं आता। मैं इतना जानता हूँ कि आप कोई भी डेट बोलते हो, मैं उसका नंबर 1000 डेट बोलूँगा तो 999 बार सही बोलूँगा, एक आध बार हो सकता है सुनने में मिस्टेक हो तो हो जाएगी। वो चीज़ आप जब मैं पहली क्लासेस लूँगा, पहली क्लासेस नहीं बल्कि डेमोस्ट्रेशन क्लासेस में ही, आप देखना कि आप कैलकुलेटर से पहले तेज बतलाओगे, कैलकुलेटर से पहले। एक बार फिर से सुन लो, कैलकुलेटर से पहले। कैलकुलेटर आपके पास होगी, कैलकुलेटर देना अपने मम्मी पापा भाई बहन किसी को देना, बोलना कि निकालो या मोबाइल पे निकालो आप। कौन पहले निकालता है? यू। विद इन 15 मिनट्स, इट विल टेक ओनली 15 मिनट्स। और जो एग्जामिनेशन में आपको जो क्वेश्चंस आते हैं, पहले तो मैं उस सब उतना डीपली जाता नहीं था, लेकिन देखा कि जब मैं कैलेंडर्स का डे निकाला तो उसका क्वेश्चंस मैंने रीजनिंग का बुक्स निकाल कर देखा, तो मैं देखा बोल दिया 2 सेकंड 1 सेकंड 1.5 सेकंड ये आंसर। मैंने कहा सारा का तो एक ही रूल है, वो मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेज, मैं डेमोस्ट्रेशन में ये भी दिखा सकता था कि आप मुझसे कोई इंपॉर्टेंट डेज पूछ लो, कोई आर्टिकल पूछ लो, आप मुझसे कोई आईपीसी सेक्शन पूछ लो, तो ये करूँगा ना तो कहीं ना लगेगा कि वो इंप्रेसिव नहीं लगेगी, वो मेरे स्टूडेंट्स करते हैं। जब मैं लॉकडाउन में तो ऑफलाइन क्लासेस बहुत कम कर दिया, पहले मैं बहुत ऑफलाइन क्लासेस करता था, पटना दिल्ली यूपी एमपी इतने जगह पर, मैं झारखंड, इस समय मैं ऑफलाइन जहाँ हज़ारों बच्चे बैठ होते थे, और जो बच्चों को मैं पढ़ाता था ना वो बच्चे स्टेज पे आते थे और परफॉर्मेंस करते थे। और ऑनलाइन क्लासेस में भी मैं उस बच्चे को, तो जित देखो मैं कोई भी बात बोलूँगा ना तो लगेगा कि ये क्या बोल, आपको पचेगा नहीं मेरा बात, नहीं पचेगा, है ना। एक ने लिखा कि सर 13 फरवरी बताइए सर, 13 फरवरी सरोजिनी नायडू का दिवस था, जल दिवस 22 मार्च को था। ये जानते हो क्या है मेरे लिए, 2+2 4, 3+2 5, 5+2 7, ये सब मेरे लिए लूडो खेलने का सामान, मेरे लिए कैरम बोर्ड, मैं इसके साथ खेलता हूँ। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, भतीजे हैं, उन्हें भी स्टेज पर चढ़ाता हूँ, उसे पूरी पीटी याद है, उसे मैक्सिमम स्टेडेट से याद है। तुम जल दिवस बोलोगे ना तो वो उतना दिमाग नहीं लगाएगा, 22 मार्च 22, वो हंसेगा, खेल हंसी ये करके बोलता है ना। देखना तो आई एम नॉट टॉकिंग ओनली 10, 15 और 20 दिवस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट उतना आपके बुक्स में भी लिखा होगा, नहीं दिवस जितना मैं आपको बताऊंगा एक दिन में, सिर्फ एक दिन सुनना है। तुम सुन रहे होगे ना अभी, तो तुम्हें भी लग रहा होगा सामने वाला आदमी तो बोल रहा है, ये तो ये लगता है कि ड्रिंक करके आया जैसे बात बोल रहा है, तो मैं तो जो हमसे पढ़ कर जाता है ना वो दूसरे उसे देख कर सरप्राइज करते हैं। नेक्स्ट, कौन सा अवार्ड किस वर्ष शुरू हुई? सो इजी, जितना आपको 20 साल में याद नहीं उतने 15 मिनट में, मैं भी यहाँ पे आप भी यहाँ पे मैं भी यहाँ 15 मिनट में। किस बुक का राइटर कौन है, बस इतना जान लो, जितना 10 साल में नहीं, जितना 10 साल में नहीं उतना एक क्लासेस में, एक घंटे आधे घंटे और 20 मिनट में, अब ज्यादा नहीं। क्यूब लिखना, ये सब बच्चे का खेल है, जिस तरह बच्चे हम लोग दीवार पे पिक्चर बनाते हैं ना टीवी का रेडियो का पक्षी का, मैं वही कर रहा था क्यूब लिखने में, मैं पिक्चर बना रहा था, डिजिट लिखा रहा था, किसका इन्वेंशन किसने किया। क्लास 4th के बच्चे से जो मेरे स्टूडेंट पूछ लो, बोला कि सर 200 इन्वेंटर है और नहीं है, इतनी इजी। कंट्री एंड देयर किस देश की करेंसी क्या है, है ना। कैपिटल किया, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद होते हैं बच्चों को, नहीं याद होते हैं, इट्स सो इजी। मैंने भी यूपीएससी में प्रिपरेशन की थी तो मुझे आर्टिकल बहुत ही कम याद हुए थे, और अभी तो मैं सारे ऑलमोस्ट मुझे लगता है 5-6 आर्टिकल को छोड़ के मैं भूल भी चुकी हूँ सारे। एक ने पूछ रहा सर भारत इज सो इजी 1954। देखिए आईपीसी सेक्शन है, आर्टिकल आपको है, कौन सा स्टेट में कौन सा लोक नृत्य है, इट्स सो इजी। मेरा YouTube चैनल अजीत भारती मेरा नाम है, अभी मैम ने बताया, छोटा सा मेरा चैनल बहुत नया खोला हूँ। बैंक एंड देयर फाउंडेड ईयर, कौन सा बैंक का स्थापना वर्ष कब है, उसका हेडक्वार्टर का क्या। हिस्टोरिकल वार्स, कौन सी ऐतिहासिक लड़ाइयाँ कब लड़ी गई। स्टेट रिवर एंड डैम, हर साल स्टेट रिवर और डैम हो गया, फोक डांसेस हो गए, आप जानते हैं आजकल हर एक एग्जाम में ये जो स्टैटिक वाला पार्ट और करंट अफेयर वाला पार्ट है, 7-8 क्वेश्चन, अभी सीजल का पेपर हुआ आपको जा पता है 5-6 क्वेश्चन इसी से आए, कोई भी पेपर ले लो आप स्टैटिक जी के करंट अफेयर वाला पार्ट तो आजकल भर भर के हर एग्जाम में आ रहा है। तो बच्चों आप लोग ये सारी चीज़ें सीखने वाले हो बहुत बढ़िया तरीके से। सर बार बार कह रहे हैं कि मैं किसी भी सब्जेक्ट का पर्टिकुलर टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं सारे सब्जेक्ट सिखा सकता हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में।
में, तो ये सारे आप पिछले, सर मैं एक चीज देख रही हूँ, आपने पिछले बैचेस से ज्यादा सिलेबस जोड़ लिया इसमें। पिछले बैचेस में ना, पिछले बैचेस में जो सिलेबस थी ना, तो बैठे बैठे घर पे मैंने इस बार तो मैंने देखा कि जो नया रूल आया है आपके एग्जामिनेशन में, उसमें जीके जीएस कुछ ज्यादा ही पूछने लगा, तो उस अनुसार मैंने इस बार ना बहुत सारी चीजें नए बनाए जो पिछले बैचेस वाले को नहीं मिली आपको मिलेगी। हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल डेट्स हो गया, कौन सा स्टेट में कौन सा सीएम है, कौन सा गवर्नर है, प्रेसिडेंट, ये हो गया, विधानसभा लोकसभा में कितनी सीटें हैं, है ना, उसके बाद आपकी सदस्य संख्या, हाँ ये मैं आप आ रहा था, पूरी केमिस्ट्री की पीरियडिक टेबल आपको एक क्लास में याद होगी, छः दिन नहीं, पाँच दिन नहीं, ऐसे तो पाँच साल में भी याद नहीं होती, मुझे पता है, वो एक दिन आप मैम आपको चेक करेंगे, है ना, कौन सा लोग ने सब टॉपिक नहीं था, किसने नारा दिया, पूरे कांग्रेस का अधिवेशन, समाधि स्थल, ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्रोमोसोम गुणसूत्र, क्रोमोसोम का नंबर हो, जितना आप याद कर सकते हो, जितना आपको, जितना आप बोलोगे उतना करवा दूंगा, ठीक है, हाउ टू मेमोराइज वर्ड्स और नंबर्स, मैं इसी का टीचर हूँ, और कुछ भी आप पढ़ते हो तो वर्ड्स और नंबर ही होती है, साइको टेस्ट देखते हो रेलवे में, साइको टेस्ट पूछती है, yes, बहुत साइको टेस्ट, तो मेरा क्लास करते करते तुम साइको के टीचर हो जाओगे। मुझे अच्छे से याद है एनटीपीसी वाले बच्चों ने जब बहुत हजारों लाखों बच्चे हमसे पढ़े थे, तो उसके बाद वो मेरे से रोज पूछते थे मैम साइको के लिए बहुत बेस्ट टीचर बताइए, तो ये बहुत ही आप लोगों के लिए बहुत एडवांस चीजें हैं, बहुत मैं यहाँ पे देख रही हूँ पिछले बैचेस से सर ने 40% सिलेबस अपना बढ़ा लिया है, मेमोरी टेस्ट, साइको टेस्ट, ये बहुत जरूरी है बच्चों आप लोगों के लिए, आप जानते इस चीज को कि अगर आप बैंक के एक्सपेरिमेंट हैं और एस्पिरेंट्स हैं या आप उसके रेलवे के हैं, उनमें साइको से बहुत सारे साइको टेस्ट का बहुत सारा बहुत बढ़िया तरीके से आता है, तो ये जो मैं सारे सर ने चैप्टर बताए हैं ना, ये सारे आपको मेमोरी बूस्टर बैच नंबर 4 में मिलने वाले हैं, जो बैच आपको सिर्फ और सिर्फ फ्यूचरकुल कोचिंग एप्लीकेशन पे मिलेगा। आप फ्यूचरकुल कोचिंग एप्लीकेशन पे जाइएगा, वहां पर न्यू बैचेस की कैटेगरी में आप जब जाएंगे ना, तो वहां पर आपको मेमोरी बूस्टर बैच नंबर 4 लिखा हुआ होगा। मैं इस बैच के बारे में थोड़ी सी बातें बता दूं सर, हाँ, कहाँ गया इसका क्रिएटिव सर, स्टार्टिंग में, अच्छा ओके स्टार्टिंग में नहीं। ओके देखिए ये जो बैच है ना, इस बैच के बारे में मेमोरी बूस्टर बैच नंबर 4 क्यों रखा आपने, क्योंकि बैच नंबर 3 हमारे 3 तक बैच ऑलरेडी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, सर ने लिए हैं, हर 6-7 महीने में एक बैच आता है सर का, ये मत सोचेगा कि ये बैच आ गया उसके बाद नेक्स्ट मंथ आपका बैच आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, अगले 7-8 महीने के बाद फिर नया बैच आएगा, तो मैं वही बोलने वाली हूँ आपको कि हर 7-8 महीने में एक बार बैच आता है सर का, और क्योंकि बच्चे जो है ना वो इतना डिमांड कर देते हैं इस बैच की, तो हमें बैच ये बनाना पड़ता है। ये बैच 26 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 26 दिसंबर, 25 को क्रिसमस है, 26 दिसंबर को आपका ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। इसकी जो क्लासेस होंगी वो 12 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में, या हो सकता है कभी कभार सर 2 घंटे का भी सेशन ले सकते हैं, कभी कभार 1 घंटे का भी ले सकते हैं, 12 से 1 या 12 से 1:30 या 12 से 2 आपकी क्लास चलेंगी। और जो बैच का जो प्राइस है यहाँ पर, ये मैं आपको फिर बता दे रही हूँ कि ये बैच का प्राइस इससे पहले 800 रुपीज़ था, लेकिन इस बार सर ने, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट की थी सर से कि सर थोड़ा सा हमारे बच्चे हैं ना वो ऐसा एक प्राइस रखते हैं कि जो हर एक बच्चा अफोर्ड कर सकता है, तो बैच का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 499 है, लेकिन इसमें लिमिटेड सीट्स हैं, ये बात आप याद रखिएगा। एक टाइम के बाद हम इसका एडमिशन क्लोज कर देते हैं, क्योंकि सर ही करवा देते हैं, आप लेट ज्वाइन करोगे तो उसके बाद उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि इस बैच का अमाउंट इस बार 499 अपने आप में कम है। सुजीत कुमार जी, मैं आपको बता दूं, पहले बैचेस का अमाउंट 800 हुआ करता था, इससे कम प्राइस नहीं होने वाला है, 499 ही रहेगा। आप इसको परचेज कर सकते हैं फ्यूचरकुल कोचिंग एप्लीकेशन से, फ्यूचरकुल कोचिंग एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, और वहां पर न्यू बैचेस की कैटेगरी में जाओगे तो बैच नंबर 4 मेमोरी बूस्टर बैच नंबर 4 यही क्रिएटिव लगा हुआ होगा, इसका अमाउंट 499 है, लिमिटेड सीट के साथ बैच बनाया है। अब अगला बैच 6 महीने बाद आएगा, तो मैं चाहती हूं कि आप सब लोग जो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट हैं वो तो जल्दी से जाकर इस बैच को परचेज कर लीजिएगा। अब मैं चाहूंगी सर कुछ बोलना चाहें। थैंक्स मैम, मैं एक डेमोस्ट्रेशन क्लासेस और दूंगा, और लूँगा 26 दिसंबर से मेरी क्लासेस होगी, तो 26 दिसंबर से वही स्टूडेंट्स क्लासेस कर पाएंगे जो क्लासेस जो पेड स्टूडेंट्स होंगे। उसके पहले मैं एक क्लासेस लूँगा, बहुत सारे एक दो का कमेंट्स में देख रहा था कि सर कैसे पता लगेगा कि मुझे बेनिफिट हुआ कि नहीं, तो मैं एक क्लासेस लूँगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट लूँगा, विद इन 2 or 3 days आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो आई होप, मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगेगी। सो आप थैंक यू सर। सर कहना चाह रहे हैं कि मैम एक डेमो और मैं आप लोगों को दूंगा, तो एक डेमो का डेट हम लोग डिसाइड कर लेंगे, 26 से पहले होगा, 26 से, लेकिन जिस बच्चे ने अमाउंट पे किया होगा वही उस बैच को इनरोल किया होगा, वही देख पाएगा। तो एक बैच का एक बार एक डेमो और यहाँ पर होने वाला है, तो वो डेमो आप देख लीजिएगा, आपके बैच में लग जाएगा, पहले से अनाउंसमेंट हो जाएगी किस दिन रखना है, अभी मैं सर से डिस्कस करके वो डेमो रख लूँगी। तो मुझे लगता है इस सेशन को हमें यहीं वाइंड अप करना चाहिए, और कैसा लगा आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से आप लोगों को, क्या आज के क्लास से क्या आप लोगों को लग रहा है
है कि कुछ लोगों को तो लग रहा है चमत्कार है, कुछ लोगों को लग रहा होगा गॉड गिफ्टेड है, नहीं, हर चीज प्रैक्टिस से आती है और यही प्रैक्टिस कैसे करनी है सही डायरेक्शन में, यही सर आपको बैच में सिखाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और मैं सर को तहे दिल से यहाँ पे धन्यवाद कहना चाहती हूँ, शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि सर हमारे प्लेटफॉर्म पर आए फिर से एक बार, और इससे लाखों बच्चों को भला होने वाला है, लाखों बच्चों की याददाश्त के साथ साथ इतने सारे जो करंट अफेयर स्टैटिक जीके के जो चैप्टर्स हैं ये क्लियर होने वाले हैं। तो मिलते हैं, बहुत एक एक डेमो आप लोगों के लिए और रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद जिस बच्चे ने अमाउंट पे किया होगा वही इस बैच को एनरोल कर इसको देख पाएगा। तो फटाक से जाइए फ्यूचर कुल कोचिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और जहां पे न्यू बैचेस की कैटेगरी में सबसे ऊपर आपको मिलेगा मेमोरी बूस्टर बैच नंबर 4, उसमें एनरोलमेंट करवा लीजिएगा क्योंकि लिमिटेड सीट के साथ ये बैच है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को ये डेमो देखकर। बाकी एक डेमो आप लोगों के लिए सर ने अपनी तरफ से बोल दिया कि मैं और फ्री ऑफ कॉस्ट एक डेमो रखूंगा, उसके बाद बढ़िया तरीके से आप बैच में आइएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।